अरविंद, हमें सुबह से ही सबसे पहले अरविंद देखिए आपने खबर दी थी 6:40 पर जब एनसीबी की टीम वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। 6:40 से इस वक्त हो रहा है 10:31, इस टाइम को आपको कंक्लूड करना हो अरविंद, क्योंकि आपने ये पूरा प्रोसेस देखा वहां पर, क्या इसके बारे में आप जानकारी देंगे? हमने भी तो ठेल दे जी। देखिए 6:40 पर आज तक की टीम यहां पर मौजूद थी, एनसीबी की टीम यहां पर आई, 8 सदस्यीय टीम थी, 3 गाड़ियों में। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखाते हैं, ये वो सोसाइटी है जहां पर चक्रवर्ती परिवार रहता है। 6:40 पर एनसीबी की टीम आई थी, सर्च ऑपरेशन चला, तकरीबन 3.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि पूरा परिवार जांच में सहयोग कर रहा था। एनसीबी की टीम ने घर में सर्च किया, नीचे बिल्डिंग में सोविक की कार थी, कार की तलाशी ली गई। जो एनसीबी के सूत्र हैं और खुद केपीएस मल्होत्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि कोई मेजर सीजर नहीं है, डिजिटल डिवाइस है वो सीज किया गया है। शोविक चक्रवर्ती को यहीं पर समन किया गया, उसने साथ जाने की इच्छा जताई, चूंकि बड़े पैमाने पर मीडिया यहां पर थी। शोविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपने साथ लेकर गई है। उधर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चला था, उसको भी लेकर गई है। अब दोनों से पूछताछ होगी और पूछताछ यूं ही नहीं होगी, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो सामने रखे जाएंगे। जो ड्रग पैडलर जैद और बासित गिरफ्तार हुए हैं उन्हें सामने बिठाया जाएगा, सभी को बिठाकर आमने सामने एक एक करके भी पूछताछ होगी, आमने सामने भी पूछताछ होगी। लेकिन ये अब तक का सुशांत की मौत के बाद किसी भी एजेंसी का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, क्योंकि सीबीआई लगातार सम्मन करके लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल पर जांच करिए लोगों को सम्मन करके बुला रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक तरीके से कहे तो सबको चौंकाया। लोगों को ये लग रहा था कि एनसीबी भी बाकी एजेंसियों की तरह सम्मन करके लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन एनसीबी के सीनियर अफसर ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी। उनका कहना था कि ये तमाम चैट्स मीडिया में सामने आ चुके हैं, अगर हम उन सभी लोगों को सामने बुलाते हैं तो वो सीधा मुकर जाएंगे, मेडिकल जांच भी कराते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे में दूसरी लाइन की तरफ एनसीबी की टीम पहुंची, उन ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया जो शोविक और इस पूरे सर्कल से जुड़े हुए थे, उनका स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद चौंकाते हुए 6:40 पर यह वो बिल्डिंग है, आपको दिखाना चाहूंगा, इस बिल्डिंग में जहां चक्रवर्ती परिवार रहता है, यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल की टीम ने छापा मारा और साथ ही साथ सेम टाइम पर सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी हुई। सैमुअल मिरांडा को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपने साथ लेकर गई। घर में 3.5 घंटे की छापेमारी के दौरान सिर्फ डिजिटल डिवाइस बरामद हुआ है, कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एनसीबी का कहना है कि उनके पास काफी एविडेंस है जिसके आधार पर केस चलाएंगे। जी अरविंद, आपके पास लौटेंगे। शम्स, मैं चाहूंगी कुछ डॉट्स को आप कनेक्ट करके एक एनालिसिस हमको दें, जिस तरह से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अब तक आगे बढ़ा है, आज तक को ही सीबीआई के सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि अभी तक हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं उन्हें, आत्महत्या के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन ये ड्रग्स जिस तरह से उभर कर आया है इस पूरे केस में, रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक पर यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का रिया के हवाले से जो बयान सामने आया है वो एनसीबी किस तरह से उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई के लिए इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने होंगे? देखिए यहां पे पूरा जो ड्रग्स का मामला है उसमें जो असली जांच करनी है, चाहे वो एनसीबी हो या सीबीआई, और ये सुशांत की मौत से बड़ा इसका गहरा एक रिश्ता बनेगा कि किस तरीके से ये केस आगे जाता है, वो ये है कि ये पूरा ड्रग्स रिया चक्रवर्ती अब तक जो कह रही है और शौविक चक्रवर्ती के जो सारे बयान हैं, जो श्रुति मोदी के हैं, इन लोगों के जो वकील के जरिए और जो पुलिस को बयान दिए गए हैं उसमें ये है कि ये सारे ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए लिए जाते थे। अब सुशांत चूंकि इस दुनिया में है नहीं, वो अपनी सफाई दे नहीं सकते हैं, तो अब क्या है कि आपको बाकी एविडेंस के जरिए साबित करना पड़ेगा कि ये सुशांत के नाम पर ड्रग्स कोई और ले रहा था और ये अपने आप को बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, और बात सिर्फ ड्रग्स खरीदने की है या ड्रग्स बेचने की है। तो उसमें जितने अब तक व्हाट्सएप चैट्स आए हैं वो चैट्स भी दो तरह के हैं, एक है जिसमें ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है और एक हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसके लिए ड्रग्स चाहिए। तो यहाँ पे इस जो तीसरा कैरेक्टर है वो कौन है, वो वाकई सुशांत है या सुशांत के नाम पे फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन चीजों की जानकारी एक तो पहले लेनी है, ये सीबीआई ले रही है सीबीआई के लिए,
एनसीबी के लिए जानना जरूरी है कि जो पूरा ड्रग्स का चेन है ये क्या है, क्या शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, ये लोग ड्रग्स सिर्फ खरीदते थे इस्तेमाल के लिए, चाहे वो किसी के भी इस्तेमाल के लिए हो, या फिर ये ड्रग्स बेचने के धंधे में भी शामिल है, और इनमें से है तो वो कौन शख्स है, सैमुअल मिरांडा है या फिर शौविक चक्रवर्ती है? क्योंकि श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स बेचने के अभी तक कोई एविडेंस और सबूत नहीं मिले, लेकिन कुछ चैट्स ऐसे हैं जो शौविक के ऊपर शक डालते हैं। वो शक इसलिए डालते हैं कि वो एक तरफ से ड्रग्स उसको जो भी कहता है वो कहता है आप ड्रग्स लाओ, तो वो जो लाता है वो किससे लाता और क्या वो किसी और को भी देता है, सिर्फ रिया या रिया के घर वालों या फिर सुशांत के घर वालों या सुशांत के लिए या फिर बाकी पार्टियों के लिए भी, ये लिंक एस्टेब्लिश करना सबसे जरूरी है। और इसी में दो जो सबसे ज्यादा शक है वो शौविक पर है कि क्या वो सिर्फ ड्रग्स खरीदता था दूसरों के लिए या वाकई ड्रग्स आगे भी बेचता था, अगर बेचता था तो फिर शौविक के लिए बहुत परेशानी होगी।